नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सोचना, इसको सॉल्व करना अपने आप में ही एक बड़ी बात हो गया है ना। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, ठीक है, अगर आपने एफर्ट माला और अगर आप 50-60% भी चले जाते हो, अगर 100% चले जाते हो तो भाई कोई तोड़ नहीं, मतलब आपका आईआईटी पक्का है। लेकिन अगर आप 50-60% भी चले जाते हो तो भी बहुत बड़ी बात होगी, है ना, क्योंकि इसके अंदर इसका पहला स्टेप उठाना ही बड़ा चैलेंजिंग काम है ना। तो अब देखो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एक बार सीख लो, ताकि आने वाले भविष्य में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको एक आइडिया तो रहेगा कि यार इस तरह की क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को मैं किस तरीके से टैकल करने वाला हूँ। समझ रहे हो आप बात को? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर दिया है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी k इक्वल्स टू 0 टू n nc k अपॉन n n की पावर k k + 3 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ l बताना है। अब इस क्वेश्चन को देख के ना बहुत सारी चीजें आती हैं कि सर इसमें कोई बाइनोमियल सीरीज बन रही होगी, इसके अंदर जैसे बाइनोमियल सीरीज ncr / r + 1 होता है। अब वो देखा हमने तो वो भी नहीं बन रहा था, फिर हमने देखा कि और क्या बन सकता है, फिर मैंने देखा r into ncr, यानी कि जो बाइनोमियल सीरीज के अंदर, बाइनोमियल सीरीज के अंदर हम तीन तरीके के क्वेश्चन करते हैं, r into ncr, समेशन ऑफ टू सीरीज, क्लियर, और एनसीआर अपॉन आर प्लस आर, उनमें से कुछ भी नहीं बनता है इसके अंदर भी, क्लियर। अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म आते जाएंगे और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर मैंने सोचा और क्या कर सकते हैं आप, तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना बच्चों इसके अंदर, वो तो यही है कि आपने ना ये आपके सामने जो के प्लस थ्री लिखा है, 1/k+3, इसको देखो आप, मतलब ये बहुत छोटी चीज है लेकिन वही है कि यहाँ कैसे सोचेंगे सर हम, ठीक है। तो इसके लिए इसको जानना जरूरी है। देखो ये 0 to 1 x की पावर k प्लस 2 का इंटीग्रेशन जो होता है वो ये होता है, यस और नो भाई? 0 टू 1 में x की पावर k प्लस 2 का इंटीग्रेशन आपका ये आ जाएगा, क्लियर, ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी एंड समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n, और इसको बच्चों मैंने nc k लिख दिया अपॉन n की पावर k, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x की पावर k प्लस 2 dx हो गया, क्लियर। अब देखो nc के और n के अभी इंटीग्रेशन के लिए तो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है ना, इंटीग्रेशन के लिए, तो अब ये इंटीग्रेशन से बाहर है तो ये इंटीग्रेशन के अंदर भी जा सकते हैं। तो क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ लिमिट, और मैं इसको भी बाहर ही निकाल लेता हूँ पूरा बाहर इंटीग्रेशन साइन को, और ये मेरे पास आ गया लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n, और ये हो गया nc के अपॉन n की पावर k, और इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर k इंटू एक्स स्क्वायर dx। आराम से देख लो आप, कोई भी जल्दी नहीं है मुझे, आराम से देख लो तसल्ली के साथ, बस आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ इंटीग्रेशन के लिए? तो सिर्फ और सिर्फ x ही काम का है, मतलब x और dx काम के, बाकी के सब तो मैं कॉन्स्टेंट ही मानूंगा यहाँ पे, ओके। अब बच्चों मैंने क्या किया, अब मैंने बोला कि देखो 0 to 1, और ये मेरे पास आ गया लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, अब मैं लिमिट को भी अंदर पहुंचा रहा हूँ इसमें, चलो लिमिट को रहने देते हैं भारी, लिमिट ना n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n, मैं इसको लिख रहा हूँ nc k और x अपॉन n की पावर k, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों मैं x स्क्वायर dx, क्लियर। अब देखो पहले इसके अंदर इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट लगा, अब इसके अंदर बाइनोमियल का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, और वो बेसिक चीज क्या है, वो बेसिक चीज है ये, यहां से लेके यहां तक से इसको आप ध्यान से देखो, ये 1 + x की पावर n के जैसा दिखाई दे रहा होगा, 1 + x की पावर n के जैसा दिखाई दे रहा होगा, मतलब आप बोलोगे अरे सर 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 मुझे याद आ गया, क्या याद आ गया सर? मुझे ये याद आ गया कि इसको आप 0 to 1 लिखो, उसके बाद आप लिमिट लगाओ n टेंस टू इंफिनिटी लिखो, और इसको आप 1 + x / n की पावर n लिख दो यहाँ पे, क्लियर, और एक्स स्क्वायर डीएक्स। भाई ये बात बताओ आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है ना आपको? अब देखो आप लोगों ने ना एक चीज पढ़ी होगी कि अगर लिमिट आपका n टेंस टू इंफिनिटी है तो 1 + x / n की पावर n को ये क्या बन रहा है मेरे पास, ये आपका 1 की पावर इंफिनिटी टाइप फॉर्म बन रहा है, याद आया आपको, ये 1 की पावर इंफिनिटी टाइप फॉर्म है, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन रहे हैं या बन सकते हैं, तो उस केस में आंसर e की पावर x हो जाएगा इस केस में, तो ये आपके पास e की पावर x लिखा हुआ है, यानी कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया कि l इज इक्वल टू 0 to 1 0 to 1, और यहाँ पे आ गया बच्चों e की पावर x, और ये आ गया एक्स स्क्वायर dx, क्लियर, बात आई समझ में? अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपली हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का 2x e की पावर x, और ये कितना हो जाएगा 2x का और माइनस प्लस का 2 और e की पावर x,
ये आएगा 0 to 1, क्लियर। अब आप इसमें 1 रख दो, पहले 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा e, और माइनस का 2e और प्लस का 2e, क्लियर। ये आ जाएगा, फिर आप माइनस रखोगे तो माइनस रखने पर तो ये सब जीरो हो जाएगा, माइनस रखने पर कितना आ जाएगा माइनस का 2। ये आ रहा है मेरे पास l की वैल्यू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो l इज इक्वल टू e माइनस का 2 आ रहा है बच्चों। e इज 2.7 और 2.7 माइनस 2 यानी 0.7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ l आपका 0 आना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ l कितना हो गया आपके पास 0 हो गया। बहुत ही अमेजिंग और जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले इंटीग्रेशन का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगा है, बहुत बेसिक सा, उसके बाद इसके अंदर बाइनोमियल का जनरल टर्म लगा है, उसके बाद फिर इसके अंदर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा है, उसके बाद जाके इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ है। तो जेईई एडवांस क्या करता है, इसी तरीके से 3 से 4 टॉपिक्स को मिलाता है और बहुत बेसिक से फंडामेंटल पर जाता है आपको, क्योंकि वहां तक जाते जाते ना बच्चे को क्या लगता है अरे यार जेईई एडवांस है, तो वहां तक जाते जाते तो उसको मतलब हालत ही ऐसी हो जाती है कि वो मतलब वो तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहा है, कुछ बहुत डिफिकल्ट जाके सोच रहा है कि क्या होगा क्या होगा, और यहाँ उसने क्या बेसिक फंडामेंटल आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें हैं, इसी तरीके की और वीडियो में डालता रहूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।